राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, जो कि चंद दिनों में महू तहसील होते हुए राऊ राजेंद्र नगर के रास्ते में इंदौर शहर में प्रवेश करेगी। यात्रा में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेता और जनता के लिए यातायात की व्यवस्था को लेकर आज भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर प्रभारी और कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। भारत जोड़ो यात्रा 27 नवंबर को इंदौर शहर में राजेंद्र नगर के रास्ते होते हुए चोइथराम मंडी के रास्ते से इंदौर में प्रवेश करेगी। यात्रा लाखों की संख्या में कांग्रेस नेताओं सहित कार्यकर्ता और जनता की शामिल होने की संभावना बनी हुई है। 28 नवंबर इंदौर शहर से यात्रा सांवरी की ओर जाएगी, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर आज महेंद्र जोशी भारत जोड़ो यात्रा इंदौर प्रभारी सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद और नेताओं ने पुलिस प्रशासन के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश कुमार हिंगनकर और यात्रा डीसीपी महेंद्र जैन जोन 4 के डीसीपी आर के सिंह से यातायात व्यवस्थाओं को लेकर यात्रा मार्गों पर पार्किंग व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा आज शाम तक शहर में अलग अलग स्थानों पर पार्किंग देने की बात कही है। वहीं शहर का यातायात रूट भी बदला जाएगा और कुछ मार्गों को भारत जोड़ो यात्रा के समय तक बंद भी रखा जाएगा। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट। सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो जाए, उसी सिलसिले में कुछ हमने अपने विचार रखे, कुछ उन्होंने हमारी बातें सुनी, उन सारी बातों को इस तरीके से किया है और धन्यवाद देते हैं हम इंदौर पुलिस ने जिस तरीके से अभी अपना सारा रुख है उनका, उसमें यह है कि सहयोगात्मक तरीके से और सुरक्षित तरीके से ये यात्रा संपन्न हो। सर, अपना यातायात को लेके भी आपने चर्चा की है, हाँ, की है किस तरह की आपने पार्किंग व्यवस्था? हाँ, प्रयास हमारे यही है। देखिए, यातायात स्वाभाविक रूप से जो एक जहाँ पे कार्यक्रम होता है वहाँ तो एक परेशानी होती है कि पार्किंग प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो उसके निकट के स्थान है उनको चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी और लोगों को कम से कम चलना पड़ेगा। और मेरा राजनीतिक कार्यक्रम है तो चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात की तो चिंता ही नहीं करता कि मुझे कितना चलना है, उसे तो उसका लक्ष्य बड़ा होता है। तो हम तो वैसे भी बड़े आशान्वित हैं कि चाहे वो 2 किलोमीटर दूर हो या 3 किलोमीटर दूर, हमारे सारे लोग बड़ी ताकत के साथ पहुँचेंगे। हाँ, फिर भी ट्रैफिक से लोगों को, हमारे नगर के लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा नेता आ रहा है ये खुशी की बात है, भारत जोड़ने आ रहा है ये दूसरी कुछ बड़ी बात है, लेकिन लोगों की परेशानी हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। इसलिए लोग परेशान ना हो, सब काम सुव्यवस्थित हो।